हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की विज्ञान की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 11, जो कि आपकी डेट 30 जुलाई की है। चुंबक के बारे में अधिक जानकारी। तो चुंबक के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि इसके दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और अगर दोनों सिरे एक जैसे पास में हम लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अगर अलग अलग ध्रुव लेकर आते हैं तो वो पास जाते हैं। अब चुंबक की खोज किसने की वो देख लेते हैं। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से एक थे। तो यूनानी जो थे उन्होंने की थी। उनके लिए चुंबक तो एक जादुई आकर्षण था, तो उन्हें क्या लगता था कि भई ये एक जादू है। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। मैग्नेटाइट जो है एक चट्टान है, लेकिन ये क्या है, आपकी एक प्राकृतिक चुंबक है। यह आयरन से भरपूर होती है, तो इसमें आयरन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं, इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। यानी कि ये जो धातु हैं इनको हम चुंबक बना सकते हैं। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते जाएं, तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये लोहे की पट्टी है और ये चुंबक है। इसको इस पर रगड़ते रहेंगे तो क्या होगा, असर इसके ऊपर आ जाएगा। चुंबक और चुंबकत्व इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबक और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, यानी कि लाइट और चुंबक दोनों का बल। डेनिश भौतिक विज्ञान हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने विद्युत चुंबक की खोज की थी, और कब की थी, 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीने का तरीके में बहुत सा सुधार आया। अब है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है, वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलीय तार में विद्युत प्रभावित की, यानी कि लाइट प्रभावित की, इससे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार की कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। तो जो शक्ति या पावर है वो किस चीज़ पे करती है कि हम कितनी विद्युत प्रभाव कर रहे हैं, और जो कुंडली जो तार ले रहे हैं वो कम ज़्यादा कितनी संख्या में ले रहे हैं। उदाहरण के लिए कबाड़खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी कार भी ऐसे उठ जाती हैं, तो ये सब किससे किया जाता है, चुंबक से। क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो ये अभी हमने देखा है मैग्नेटाइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट क्या है, आपकी प्राकृतिक चुंबक है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे ये एक प्राकृतिक चुंबक है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, चुंबकीयकरण क्या है। तो चुंबकीयकरण के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, यदि, या फिर आप यहाँ से लिखिए, एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं, तो आप इस चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का। थर्ड है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की। तो ये जो खोज है ये किसने की थी, ये की थी डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने की थी। तो ये इनका नाम है, थर्ड इसमें लिख लेंगे। फोर्थ है, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत वाहक बल को प्रभावित आप यहाँ से लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनों के वाहन को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबक और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिर फिफ्थ है, विद्युत चुंबक क्या होती है, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो विद्युत चुंबक की मैं अभी आपको डेफिनेशन, चलिए मैं बता देती हूँ यहीं से ही।